फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस। तो सॉरी फॉर डिले, मैं बीच में बहुत बिजी था तो उसकी वजह से वीडियो डाल नहीं सका। तो फिर से अभी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने निफ्टी को क्लोज होते हुए देखा है 17,894 लगभग 165 पॉइंट के गेन के साथ। तो यहाँ एनालिसिस शुरू करते हैं हम मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे कि निफ्टी जो है तो गेंस दिखा रहा है लगभग 2.5% के इस मंथ के लिए। लास्ट मंथ हमने जो है तो नीचे से अच्छा खासा रिकवरी देखा था और लगभग 4% गेन के साथ क्लोज हुए थे। तो यहाँ मंथली चार्ट पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी ने जो है तो सुपर ट्रेंड के अराउंड सपोर्ट लेने के बाद एक फिर से जो ऑल टाइम हाई है उसके तरफ एक बाउंस बैक लगाया है। और यहाँ जो है तो आने वाले हफ्तों में हमें जो है तो ऊपर के लेवल देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइस पैटर्न जो है मंथली चार्ट पे वो बुलिश दिख रहा है। यहाँ सिर्फ ये एक दिक्कत है कि ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सप्लाई आ सकता है, तो ऊपर जो ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस करना इतना इजी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कम से कम हम 18,500-18,600 के लेवल देखेंगे और उसके बाद में फिर देखेंगे कि हम उसको क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। अगर वो क्रॉस कर पाते हैं तो हमें 19,000 और उसके बाद में 22,000 के भी लेवल निफ्टी दिखा सकते हैं, मगर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है मुझे। मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक देने के बाद फिर से हम जो है तो नीचे के लेवल देखेंगे। तो यहाँ एक लॉन्गर टर्म चार्ट पे निफ्टी जो है तो साइडवेज जोन में चला जाएगा। तो हम अभी करंटली ऊपर के जोन को अप्रोच कर रहे हैं, वो आने के बाद हमें फिर से जो है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे, लोड हो रहा है। तो यहाँ हम वीकली चार्ट पे देखोगे तो हमने शुरुआत R1 के करीब की थी और मैंने जैसे कहा था कि यहाँ से जो है तो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और हमने जो 16,900 का जो सपोर्ट है 15,900 का उसको टेस्ट किया और वहाँ से एक अच्छी खासी अभी बाउंस बैक दे रहा है। इस हफ्ते निफ्टी जो है तो लगभग 1% लगभग 182 पॉइंट गेन के साथ बंद हुआ है। लास्ट हफ्ते हमने लगभग 520 पॉइंट का गेन देखा था, लगभग 3% निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ था। तो यह इस हफ्ते हमने जो है तो उसका फॉलोअप बाइंग देखा है, मगर यहाँ जो है तो ऊपर के लेवल पे हमें अच्छा खासा सप्लाई देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म शॉर्ट अच्छा बैठेगा। अगर निफ्टी जो है तो 18,500-18,600 के अराउंड मिलता है तो आप वहाँ 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट जा सकते हो, जिसका टारगेट रहेगा 16,600। तो एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड आपको मिल सकता है अगर आपको निफ्टी फ्यूचर जो है तो 18,500-18,600 के अराउंड मिलता है। और ये जो ट्रेड है ये कम से कम आपको 2-3 महीने के व्यू से लेना पड़ेगा, मगर मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे एक अच्छा खासा शॉर्ट निफ्टी में बनेगा, जिसका नीचे टारगेट रहेगा 16,600 का। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने अच्छा खासा गेन देखा है लगभग 1% का। और यहाँ जो है तो हमने जो इस महीने की शुरुआत की थी वो एक स्ट्रांग बुलिश रैली के साथ की थी, उसके बाद में करेक्शन देखा है और उसके बाद में अभी जो है तो फिर से हम रिवर्सल देख रहे हैं। तो यहाँ अर्ली रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे यहाँ भी निफ्टी जो है तो स्ट्रांग हर्डल फेस कर सकता है। अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो हम फिर से जो है तो 18,200 और 18,700 तक के लेवल निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल के एंड तक। तो यहाँ हमें जिन्हें लॉन्ग लेना है उन्हें वेट करना है कि नीचे की तरफ जो 17,700 का जो सपोर्ट है या फिर 17,700 का जो सपोर्ट है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जिनके पास लॉन्ग ट्रेड है उनके लिए ये सलाह रहेगी। मेरी सलाह मानोगे तो मैं वेट एंड वॉच मोड में जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे एक अच्छा खासा फिर से सप्लाई आ सकता है। तो मैं मोस्टली लॉन्ग प्रीफर करूंगा, मगर इंट्राडे आई विल नॉट कैरी एनी लॉन्ग। जिन्हें लेना है लॉन्ग उनके लिए 18,700 के नीचे स्टॉप लॉस है। आपका जो टारगेट बनता है पहला वो 18,500, उसके बाद में 18,400 और 18,700, ये जो है तो टारगेट निकल के आते हैं अगले 1-2 वीक के लिए। तो अगर आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है निफ्टी में तो आपको 18,700 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 18,500, उसके बाद में 18,400 और 18,700, ये टारगेट रहेंगे।
और अगर जिनको शॉर्ट लेना है तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, फिर से जो है तो 18200 के अराउंड निफ्टी आ सकता है और वहाँ से हम जो है तो फिर से सेल ऑफ देख सकते हैं। तो अगर मुझे सेल करना है निफ्टी तो हम वेट करेंगे 18200 का, वहाँ 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर से नीचे जो है तो 17550 और उसके बाद में 17300 के जो टारगेट है वो मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में निफ्टी दिखा सकता है। तो यहाँ मोस्टली आई विल नॉट प्रीफर पोजिशनल व्यू, क्योंकि यहाँ जो है तो मार्केट अभी यहाँ जो है तो अनडिसाइसिव लग रहा है मुझे और यहाँ ट्रेंड जो है तो वो ऐसा क्लियर कट नहीं है। तो हम जो है तो मोस्टली इंट्राडे में ही जो मार्केट का मोमेंटम रहेगा उसको फॉलो करेंगे। मुझे लगता है कि एक बार हमें मार्केट जो है तो नीचे के लेवल दिखा सकता है। आई विल मोस्टली प्रीफर ऑन शॉर्ट साइड, वो भी रेजिस्टेंस के पास आता है तो स्टॉप लॉस के साथ हम शॉर्ट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 18200 के अराउंड जो है तो मार्केट फिर से वीकनेस दिखा सकता है और नीचे जो है तो हम 17500 से लेकर 17300 के लेवल निफ्टी में देख सकते हैं। मेरा जो ओवरवेट रहेगा निफ्टी पे वो बेरिश रहेगा और यहाँ हम मोस्टली सेल ऑन राइज व्यू रखेंगे, हम सेल करेंगे रेजिस्टेंस के अराउंड, टारगेट रहेंगे हमारे 17550 17300 के। और ये जो टारगेट है ये आने में 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू है। और यहाँ शॉर्ट जाना है तो आपको रेजिस्टेंस के अराउंड ही शॉर्ट जाना है। ऐसा जो निफ्टी पे मुझे जो लग रहा है, तो निफ्टी हमने देखा कि बड़े चार्ट पे एक रेंज बाउंड ट्रेड में है, तो यहाँ रेंज बाउंड ट्रेड पे जो है तो आपको दोनों तरफ खेलने को मौका मिलेगा। तो आपको रेजिस्टेंस के अराउंड शॉर्ट करना है और सपोर्ट के अराउंड बाय करना है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जाएगा, मुझे उसकी जो है तो आशंका कम लगती है या पॉसिबिलिटी कम लगती है। मोस्टली हम जो है तो एक रेंज में ही घूमते रहेंगे, बट आई मोस्टली प्रीफर ऑन शॉर्ट साइड। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉल चाहिए तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।